तो फिर आपको किसी से डरने की जरूरत है। बड़े बड़े अभियान फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल से तरह तरह की प्रोपेगेंडा मेरा खराब करना कि देखता है देखता देखना आप सबको देखना गुनाह है, क्योंकि उनके पास क्या है कि मेरा खिलाफ कोई वीक पॉइंट नहीं है। अगर कोई वीक पॉइंट होता तो आज तक उनके काम में फंस चुका होता। कोई वीक पॉइंट नहीं है। और देखिए वापस कर दो, अकबर अपने लिए मीना बाजार लगा था, मेरे लिए मीना बाजार लगाई गई और फर्क इतना है कि उस बाजार में एक से लोग यहाँ मुख्तलिफ लोग रखा गया। कैरेक्टर का मतलब इस धड़ले से यहाँ बोल रहा हूँ, दुश्मन सुन रहा है, सुना तो मुझे किस बात का खुदा से रखा हूँ, खुदा कर मेरे वाले आज मेरे वाले नहीं मुल्क मान देता है शरफ हासिल है कि हम उनकी खिदमत जितनी कर सकते हैं। मालूम बहुत साहब भाइयों जो खिदमत की तो आज उसका सिला हम सबको मिला। हम क्या कहता हूँ, जब खुदा कहता है जब तुम हमारी मौजूद तो सारी कायनात वो सब कदमों में डाल इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ तो बंदा को कहाँ ले मौलानी के खिलाफ 70,000 मिम्बों से प्रोपगेंडा होता था। तुमको शहरत में अपने जाने बनाने की कोशिश नहीं की। आज तक बड़ा वीक पॉइंट है। खुद क्या है इमाम मूसा कादिर साहब को कहने वाला आपके पास एक खूबसूरत औरत को भेजा है। अच्छा एक बार और दुश्मन इतना मतलब क्या कहता हूँ उस दौर से आजकल चला रहा है। अगर बहुत ज़्यादा मुखालफत तो समझ रहा उसको पास क्योंकि जिसके पास हो सबसे ज़्यादा मुखालफत उसी में जो हम मौलाना साहब से मुखालफत। आज मैं क्या कहता हूँ, जो भी इस राह में बढ़ेगा बहुत चीज़ें दुश्मन क्या कहता हूँ आपका दुश्मन 24 घंटा निकाह रख रहा है और इसके बावजूद भी परेशान है आप मुतमईन हो तो इसमें तो खुदा की जिक्र में ताकत है कि जब आप खुदा का जिक्र करते हैं तो फिर आपको किसी चीज का डर नहीं होता। नारा हैदरी या बात तो तुम कहते चाहिए। हसद बहुत बड़ी चीज है। हसद जो है कभी कभी हासिल खा जाती है, कभी कभी अक्सर नहीं जाता। 90% लोग हासिल को खाते हैं। अगर हासिल नहीं समझा तो जरूरत इस बात की तो इमाम खाने में रहते भी 24 घंटे की पल पल की खबर दुश्मन लेता है। बिना आवाज वाले चाहे तो मतलब औरत को भेजते ये करते हैं वो कोई बेचारे को जाते जाते आखिर में मौका मिला कल को इसको भी मदद करेंगे। तो जब हम अपना ऐसा कैरेक्टर बना लेना तो दुश्मन सब कुछ जितने अयारी मकर सब कुछ अपना लेगा और फिर इसके बावजूद जरूर शिकस्त खाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ और एक चीज हो अल्लाह के नाम में खर्च करें। आपको बनाओ से मुसीबत और परेशान आज मेरे तादाद कर रहा हूँ और इस बात की कोशिश बीमार हो गया अस्पताल में से दिमाग बीमार हो गया आगे ताकि दिमाग में ऐसी इंजेक्शन लगा ताकि ये 29 मरतबा मुझे मारने की कोशिश की। 29 मरतबा मारने की कोशिश की 29 टाइम। आज तक मैं मिलता हूँ मारने तो आऊँगा। यानी मैं प्रोफेसर चल रहा था उससे करता हूँ। बाइक हर 2 महीने बाद बाइक की प्लेसमेंट खराब होती है। एक मतलब कनेक्ट का तार टूटता है, मैं सड़क दिख रहा हूँ और मिस्टर सबको मोड़ दिया गया था। दो साल जो टूटे चीज़ें इसमें क्या कहता हूँ और जितना क्या कहता हूँ माँ बाप के लिए आप अगर ज़िंदा हैं तो उनकी खिदमत में जितना सब कुछ कर सकते थे, अगर मर गए तो उनकी तरफ से आपको इंफाक करना है, उनके आपको इंफाक करना है क्योंकि रूहें फरियाद करती हैं, आवाज़ देती हैं, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे बेटों, ऐ मेरी औलादों, ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी बहनों, मुझे भी कुछ दे दो, एक रोटी सही दे दो, फरियाद करती है। तो हमें क्या कहता हूँ कुछ नहीं, जैसे मिसाल तो आज के मजलिस मेरे जानब से है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, कोई उसका बस नहीं। मैंने नियत कर ली कि मजलिस में जो कुछ हम खर्च करेंगे उसका जो कुछ होगा अव्वल से लेकर आखिर तक का सवाब मेरे वालिदैन को मिले। आप जा रहे हैं, 5 रुपये आपने जेब से निकाला, इसका ये फ़कीर दे दिया, इसका सवाब मेरे वालिदैन को मिले। निज़ामुद्दीन गए, 20-20 रुपये का आपने 5 आदमी को खाना खिला दिया, उसका सवाब वालिदैन को मिले। जबकि सब कुछ मेरे बाप का है, जो कुछ मेरे पास है उन्हीं का है, हम जो हमारी अपनी कमी वो भी उन्हीं की है। मगर अब उनको ज़रूरत है। और जब आप क्या कहता हूँ जितना ज़्यादा इन्फाक करते जाएंगे खुदा आपकी मंजिलत को और आपके वक़ार को बढ़ाता जाएगा, आपके इक़बाल को बुलंद करता जाएगा और उतना ज़्यादा अपनी बारगाह में आपको करीब करता जाएगा। इसलिए ये नहीं हो सकता कि खुदा के इंसान क्या कहता हूँ खुदा की बात माने और उस पर क्या कहता हूँ कहीं भी उसको जो है कोई इस तरह की कोई तकलीफ़ पहुँचे। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और एक चीज़ और मैं क्या कहते इसमें देख रहा था, ख़ुद वसीला जो है वो ये बहुत अहम है। यानी ख़ुद कुरान में इस बात की हुक्म है, इस बात की तारीफ है कि तुम जब भी हमारी बारगाह में आए करो वसीले का जरूर कर आया करो। जी चूँकि जितना क्या कहता हूँ आप जो है वो एक से एक सलवात और भेज दें। तो आप क्या कहता हूँ जी कुछ फरमा जी। अब देखिए इधर में करीबन जाहिर सी बात ये आवाज़ जो है अब इधर में मैंने किया तो वो थोड़ा सा आवाज़ जो है वो हो गई जी। चश 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 जी एक सलवार और पढ़ें। तो आप इस तरह से उनको सवाब पहुंचा सकते हैं। अगर उनकी नमाज बाकी है नमाज पढ़ें, रोज़ा बाकी है उनका रोज़ा रखें, खुद रखें। अगर क्या कहते हैं हज के साहिब इस्तिताअत हैं आप तो उनका हज करें। इसलिए कि कल ये सब को हमसे जो है वो और जब क्या कहते हो ख़ास करके जब अपने वतन जाएँ या यहाँ पर वालिदैन का तो ख़ास करके शब जुमा की कब्रों पर जाना ज़रूर से जाया करें और जाएँ उनके लिए दुआएँ करें। इतराफ़ में जो कब्रें हैं मोमिन के उनके हक़ में दुआ कीजिए, सूरह फातिहा पढ़िए, 7 मरतबा इन्ना अंज़लना पढ़िए और इन सब के साथ जो है वो आप अपने वालिदैन के कब्र पे बैठ के खुदा से दुआ कीजिए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ हर मस्जिद से मैं कहता हूँ चूँकि मैं खुद अच्छा मेरी भी एक आदत थी मैं वो बात कहती हूँ जिसमें मैंने खुद अमल ना किया हो। इसलिए खुदा उस वक्त आपकी ज़बान में असर देख रहे जब तक कि आपने खुद अमल ना किया। तो मैं खुद जो बातों पर अमल करती उससे वही बातें मैं आपसे कहता हूँ। इसलिए कि फिर वो बहरहाल कि कहीं और नवाज नहीं। तो इसमें क्या कहते हैं ये सब हमको करना है। और चूँकि आज के माहौल में जो इतना ख़राब माहौल है जहाँ औलाद की तरबियत एक बहुत अहम मसला है, वहाँ इमाम-ए-तराज की सीरत पर अमल करते हुए इन सबको जो है अमल उस पर वो करना है, काम करना है, उस पर उसको फॉलो करना है हमको। वरना आज क्या है, आज जितने लोग देखिए कि हम वेस्टर्न कल्चर के हम इतने वीक, मतलब हमारे वीक पॉइंट हो गया है, इतने वीक वो हम इस आँख बंद करके उनके कल्चर को फॉलो करते हैं। कर रहे हैं ना आजकल, हम क्या कर रहे हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चों के अलहदा रूम बन रहे हैं, बेडरूम बन रहे हैं। मियाँ बीवी तो एक रूम में है, मगर साहब उन्होंने क्या किया, बच्चों के लिए कमरा अलग बनवा दिया। 5 साल के 6 साल के साथ बच्चा है उसको आपने अलग रूम दे दिया। कभी आपने बच्चे से जानने की कोशिश की कि आखिर बच्चा क्या चाहता है? उसके सामने टीडीबीबीएस रख दिए, कुछ खिलौने रख दिए, बेटा देखो इसे तुम ये है, ये हाथी रखा है, ये खरगोश रखा है, बेजान किस्म का आपने कुछ जो खिलौने उसके सामने रख दिया। अब बच्चे से कहा नहीं बेटे तुम बहुत बहादुर हो सब कुछ। याद रखिए वही बच्चा इस बात के अंदर जब आप बूढ़े होंगे, हम बूढ़े होंगे तो ले आके हमको ओल्ड एज होम में छोड़ देगा। आज यही हो रहा है, आज वेस्टर्न कंट्रीज में यही हो रहा है कि उन्होंने सोचा नहीं पैसा ठीक है, आपके पास पैसा है। हम लोग भी पले पढ़े हैं, एक रूम में क्या कहते हैं 5-5 6-6 भाई बहन थे। वालदा हमारी क्या कहते हो बिल्कुल जो दरवाजे के पास होती थी कि कब मेरा बच्चा उठे कैसे पेशाब जो डर ना जाए। अच्छा उस जमाने क्या इधर यहाँ पीछे है और उतनी दूर पे जो आंगन के उस पास जो है वो बैतुल क़यम है, तो सारी रात माँ सोती नहीं थी। आज सब मियाँ बीबी का इतना हुआ है कि सब शौहर और उनका तो बेडरूम अलग है और बच्चे को आपने अलग कर दिया। भाई रिलेशन तो आपका हमेशा रहे। आरुषि मर्डर के तो सबको याद है क्या हुआ था उसमें। माँ बाप ने एक नौकर के भरोसे क्या बेटी को छोड़ दिया। शौहर भी जॉब पे जा रहा है, बीवी भी जॉब पे जा रही है। किसके लिए पैसा कमा रहे हैं आप? बच्चे के लिए ना। एक बेटी आपके लिए, उसको आपने नौकर भरोसे छोड़ दिया। नौकर कब भरोसे का लायक हो गया आपका? मैं एक दिन क्या कहता हूँ ईरान का चौहद में, उसमें जो है मैं के लोधी रोड पे वहाँ पर जो ICCR में जो उसमें प्रोग्राम था ISC इंटरनेशनल सेंटर में, तो लंच का वक्त था। मैं चला गया वहाँ पर, पार्क था लोधी गार्डन, वहाँ जाके बैठ बेंच, तो एक बेंच जो अपोजिट साइड थी, एक इस तरफ थी एक इस तरफ थी। देखिए इस तरफ एक खातून बैठी, उसके अपोजिट साइड बैठ गया। तो खातून ने आवाज़ दी, उसके सामने एक जवान लड़का एक लड़की बैठी हुई। तो उसने कहा ए बेटा चलो जल्दी चलो नहीं तो तुम्हारी अम्मा आ जाएंगे, बहुत डांटेंगी हमको। तो उस लड़के ने कहा अभी रुक जा फूफू। तो उसने कहा देखो, बच्चे ने कहा कि बुआ तुम चुप रहो, अभी तुम बैठे रहो वरना अम्मा से तुम्हारी शिकायत करें, तुम तेल लेके गई थी। पता चलो घर की नौकरानी थी जो इसकी वालदा जो है क्या कहते हैं कहीं जॉब करती है, वालिद कहीं, चूँकि बातों में अंदाज़ा लगा कि वालिद कहीं और रहता है उसका, और ये नौकरानी के भरोसे अपने बच्चे को छोड़ गई थी कि नौकरानी है लेडी है देख बल के। पैसे उसने अपने भतीजे से उसकी दोस्ती करा दी। तो ये सब बातें जाहिर सी बात औलाद की तरबियत औलाद में आती है, और यहाँ से हमने बयान करें तो कहाँ से बयान करेंगे? क्योंकि मेम्बर सिर्फ इस बात के नहीं है कि सिर्फ बहर, चूँकि हमें अहले बैत ने तरीक़ा बताया है। मौला अली फरमाते हैं कि क्या कहता हूँ बेटे की तरबियत से कि जब बेटा तुम्हारा 1 साल से लेकर 7 साल तक वो बादशाह है, राजा है, जो कहे तुम मानो उसकी बात, जो कह रहा है तुम उसकी बात मानो। 8 से लेकर 14 तक अब वो ग़ुलाम है, अब तुम जो कहोगे उसे मानना पड़ेगा। अलबत्ता स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे, अचानक नहीं कर देंगे, है ना, ताकि इस बच्चे को एहसास हो कि नहीं मेरे बाप अभी तक तो उससे ज़रूरत, क्योंकि इस्लाम में ये था कि जब क्लास वगैरह एजुकेशन स्टार्ट होती तो 7 साल की एज में स्टार्ट होती थी। अब चूँकि बहरा तो अब ये क्या कहते हैं 7 से 8 से लेकर 14 तक बच्चा क्या है ग़ुलाम है। अब जो कहेंगे माँ बाप मानना पड़ेगा, जो बाप कहे वो मानना पड़ेगा। मगर कहा नहीं, अब जब बच्चा 15 का हो गया, एडल्ट हो गया, अब वो तुम्हारा वजीर एडवाइज़र है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद ने, अच्छी बातों पे बाबा कहने का भी सवाब है, तो बाबा से कंजूसी ना कीजिए। एक मत सलवात भेजे मोहम्मद वाले क्या, क्यों? इसलिए कि बच्चा अब आपको कोई काम करना है, बच्चा आपको 15 साल के, उस पर नमाज वाजिब, इस्लाम की निगाह में बालिग हो गया। आप बेटे की शादी कर रहे हैं, बहन की शादी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, बेटे को बुलाइए, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बुस्ट कीजिए। उसमें एतमाद पैदा कीजिए ताकि वो कि क्या कहता हूँ वो अपने आप को कुछ समझें कि हाँ मैं बड़ा कल तक तो बाप मुझे बच सकता है, देखो बाप प्रति में रिस्पेक्ट देने के लिए वो बुला रहे हैं, ताकि उसको अब उसके बाद क्या कहते हैं उसके सोसाइटी में आपको उसको इस्टेब्लिश करना है, तो आप बाप आप नहीं करें तो कौन करेगा। तो ये तरबियत का तरीक़ा बताया मेरे मौला ने कि कैसे आप इनको जो है क्या कहता हूँ आगे लेके चल सकते हैं, ताकि बच्चों के एहसास भी ना हो कि हाँ साहब जो हम क्या कहता हूँ, जैसे मैं वालदेन में सबसे बड़ा अपने वालिद का वादा में सबसे बड़ा मेरे अब्बा ने सारा स्कूल उनको किसी ने कह रखा था कि क्या कहता हूँ अगर बड़ा ठीक हो गया तो सब ठीक हो गया, तो अब्बा ने मुझे बहुत मारा, हद तो ये कि क्या कहते BM पहुँच गया तब तक मैं अब्बा की मार खाता था अपना, क्यों, और इस बात पे फ़ख्र महसूस करता हूँ, नाज महसूस करता हूँ, उस हाथ को मिस करता हूँ आज मैं। और उसके बाद क्या हुआ मेरे घर के जितने हैं सब दुरुस्त हो गए। तो कभी कभी वालदैन अगर सख्ती करते हैं तो मेरे को वालदैन सख्त बड़े सख्त नहीं, जालिम नहीं थे, बहुत मेहरबान थे। अगर आज वो उन्होंने ना किया तो आज मैं मेम्बर बना आया होता। इसका मतलब मुझे ऐसा माहौल दिया कि ताकि हम बुरी सोहबत में असर हम पे नहीं हो सका, यानी बुरी सोहबत में गई नहीं मैं, बल्कि एक मजहबी माहौल दिया। सख्ती थी, घर नहीं जाओ, मदरसा सामने था, मदरसे पर चले जाओ, वहाँ बैठो तो वहाँ कुछ बैठो, गली के लड़कों साथ मत रहना, ये मत करना। तो ये क्या कहता हूँ, जब वालदेन सख्ती करते हैं तो किसके लिए करते हैं? खुदा ना कहता हमारे दुश्मन है वो, नहीं, हमारी बेहतरीन, मतलब उनसे ज़्यादा हमारे खैर खा का कौन होगा। तो हमें जितनी भी क्या कहता हूँ वो करना है, अपने वालदैन की सख्तियों को चाहे कुछ भी हो, तो हमें मगर उनकी इताअत में किसी तरह की कमी नहीं आनी है। वाह, जितना हम उनका ख्याल रख सकते हैं उनका ख्याल रखें। दुनिया से गुजर गए उसके बाद भी मतलब ये नहीं कि हमारा नाता ख़त्म हो गया, रिश्ता ख़त्म हो गया उनसे, नहीं। ये क्या कहते और क्या कहते हैं, मैं इसमें देख रहा था कि पैगंबर इस्लाम एक मरतबा जो है वो इमाम हुसैन इस्लाम का वाक़ा है। देखिए वालदैन अइम्मा हमसे क्लोज तब होते हैं जब हम अपने अगर किसी ने बिल्कुल वालदैन का दिल दुखाए ना, तो फिर याद रखिए उसकी नमाज नहीं कबूल, रोज़ा नहीं कबूल, उसका कोई अमल नहीं कबूल है। और हर अमल का दारोमदार नियत पे होता है। बेशक हम कितनों बड़ी मजलिस कर लें, अगर हमारी नियत सही नहीं है तो उसका सवाब हमें नहीं मिलेगा। क्या कहने भाई, मजलिस कर रहे हैं मगर दूसरों को कंपटीशन कर रहे हैं, दूसरों की मजलिस को डाउन करने के लिए कर रहे हैं, तो आप करते रहिए। मगर इधर क्या कहता हूँ, आपने नियत किया, मिसाल के तौर पर गली में कोई फ़कीर आया, आपने क्या कहता हूँ नियत की कि चले फ़कीर को 10 रुपये देते हैं, फ़कीर चला गया। अब जो उस कुदरत ने आपके अकाउंट में हिसाब लिख दिया है इन्फाक का, वो घटेगा नहीं वहाँ से, क्योंकि खुदा ने आपको नियत देखी। और अगर मैं ये किया कि नहीं साहब क्या कहता हूँ, अब हम 100 रुपये किसी फ़कीर दे तो दोस्त कहते हैं, दोस्त देखे कि हम बड़े सखी हैं, बड़ा खर्च करते हैं, 100 रुपये दे रहे हैं, आप दे दें, आपका अकाउंट खाली, क्योंकि आपने दोस्त को दिखाने के लिए इन्फाक किया, अल्लाह के राह में जो खर्च किया आपने दोस्त को दिखाने के लिए किया आपने, तो उसका सवाब आपको नहीं मिलेगा। तो ये है, तो इसलिए कि क्या कि एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम हुसैन इस्लाम क्या कहता हूँ, एक आयतुल्ला शकूरी थे, उन्होंने ख्वाब में देखा, वही हरमी इमाम में थे, अचानक नींद लग गई, तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि क्या कहता हूँ एक जो है वो शख्स आता है और इमाम के रोज़े के सामने मौला खड़े हैं, सलाम किया, मौला ने मुस्कुरा के उसको जवाब दिया। खैर वो अपना क्या कहता हूँ, उनकी आँख खुल गई, इत्तेफाक देखा जिसको ख्वाब में देखा तो वही सामने खड़ा हुआ, और वो इमाम इसके जरी के सामने खड़ा होके मुस्कुरा के मौला को सलाम कर रहा है और दुआएं करके अपने चल दिया। कि उठे उसके पीछे गए, कभी मामला क्या है, आप लोग तो यहाँ आते गिरिया करते हैं, जारी करते हैं, रोते हैं, फरियाद करते हैं, और तुम बेटा तुमने क्या कहता हूँ क्या कहते इस तरह से जो है मुस्कुरा के सलाम किया। उसने बताया कि पिछले क्या कहता हूँ 7-8 साल से हमेशा मैं अपने वालदैन को साथ में लेके आता था। उनकी ख्वाहिश थी कि हर शब जुमा करबला के पास रहता था, हर शब जुमा चला करो बेटा, और हमें क्या कहता हूँ करबला की ज़्यारत कराओ, मौला की ज़्यारत कराओ। फिर मेरे माँ बाप बहुत ज़यीफ़ हो गए, तो अब दोनों को मतलब जो है एक साथ लाना जो है मुश्किल था, तो मैंने तय किया कि वालदैन से एग्रीमेंट कर लिया, उसको राज़ी कर लिया कि 1 हफ़्ते आपको ले चलूँगा, माँ को 1 हफ़्ते जो है बाप को ले चलूँगा। उन्होंने रजा दे दी कि बेटा ठीक है। एक मरतबा एक जुमरात को माँ और बाप दोनों ने जिद की नहीं हम दोनों चलेंगे, तो आपने कहा अब वो ठीक है। उसके बाद खच्चा रेट था, कभी बाप को खच्चा पे बैठाता था, माँ को पुष्ट पे रखता था, कभी माँ को पुष्ट पे, बाप को पुष्ट पे रखा था, माँ को खच्चा बैठाता, यहाँ तक करते करते 3 दिन में वो जो है मौला के इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े में पहुँचा। जो जैसे ही पहुँचा तो उसने देखा कि इमाम हुसैन साहब सामने खड़े हुए हैं और उसको देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो कहा उसके बाद से वालिदैन के इंतकाल में जब भी आता तो मौला को मैं देखता हूँ, उनकी ज़ियारत करता हूँ, वो हमें देख कर जो है मुस्कुराते हैं, मैं भी मुस्कुरा के उनको सलाम करता हूँ। तो माँ बाप की असमत का अंदाज़ा लगाइए। यही तरबियत जनाब फातिमा सलामुल्लाह ने हम लोगों को दी है, यही दर्स दिया है अपने बच्चों के ज़रिए, जो बच्चों की तरबियत का हम लोग जो पैगाम पहुँचा। और इनसे आप जितना तवस्सुल करेंगे ना, खुदा आपकी दुआओं को कभी रद्द नहीं करेगा। इसलिए एक शख्स से क्या कहता हूँ, ईरान की मैं क्लिप देख रहा था, एक सलवात और पढ़ते मोहम्मद सलवात वो अमल है, वाहिद वो अमल है जिसमें खुदा और फरिश्ते दोनों शामिल होते हैं। और खुदा को ये अमल बेहद पसंद है और वो चाहता है कि मतलब हद तो ये कि खुद पैगाम इस्लाम की हदीस है कि हम पर बावाज़े बुलंद सलवात भेजा गया। ये वाहिद इबादत है जिसमें ना वज़ू की ज़रूरत है, ना टाइम की कोई कैद है, जहाँ चाहे जहाँ, जैसे कि आप जो तक जहाजात पे गए ईरान वगैरह देखा होगा, ईरान में इस कसरत से सलवात पे पढ़ा जाता है कि पूछे मन, है ना। तो ये चूँकि ये एक वाहिद जो अमल है और जिसमें बेपनाह सवाब, यानी खुद फरिश्तों का कहना है कि हम लोग सवाब लिखते तो थक जाते, जब मोमिन जो है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलवात भेजते हैं। यह आप लोगों की सलवात का ही सहारा है कि मैं खुद ज़बान मेरी बहुत लुकनत आप देखा होगा, मगर इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मेरी ज़बान में लुकनत है ना। शुक्रिया जी। तो ईरान में एक फैमिली आई जर्मन की और उन्होंने कहा कि क्या कहता हूँ, हम जो हैं ईमान लाना चाहते हैं, शिया होना चाहते हैं, कोई वजह? उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी है, छत पे खेल रही थी और वो गिर गई, उसकी पहलू की हड्डी टूट गई और उसकी कमर की हड्डी टूट गई थी, कमर टूट गई, पहलू की हड्डी आज तक उसकी जो ठीक नहीं हो पाई। हम लोग बहुत इलाज किया, काफ़ी इलाज किया, मगर इलाज करने के बाद भी जो है कि क्या कहता हूँ ठीक नहीं हो पाई। मजबूर हो गए, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, बिजनेस में क्या कहता हूँ अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, हर चीज़ उनको ऑफ़र की, सोना चांदी ये वो, मगर वो क्या कहते हैं आखिर में हार मान गए और हम बिल्कुल वो पूरी तरह होपलेस हो गए कि अब मेरी बेटी जो ठीक नहीं हो सकती है। फिर हमने कई नर्सेज उनके रखता थे, इत्तेफाक से एक नर्स उसमें ईरानी थी, वो सैदानी, इसलिए उनको बाद में मसला है कि उसने क्या कहता हूँ मेरी बेटी से कहा कि देखो ऐसी जो है हमारी जो है वो जद्द ममाजदा जो है जनाब फातिमा से सलामुल्लाह कि उनकी दुश्मनों ने हड्डियाँ दरवाजे में दब के उनकी हड्डी भी जो है क्या कहते हैं शिकस्ता हो गई थी। मगर उनसे अगर उनका खुद कहना है और अहले बैत के कि हम अहले बैत से तवस्सुल करो, इसलिए खुदा हमारे बहुत नज़दीक है और जब तुम हमसे तवस्सुल करोगे तो खुदा तुम्हारी हाजात को पूरा करेगा। तुम ऐसा करो, तुम भी जो है क्या कहता हूँ मेरी बीवी जनाब फातिमा से सलाम से दोस्त रसूल से तुम भी जो है वो तवस्सुल करो उनसे और दुआ करो, इंशाअल्लाह वो तुम्हारी जो है दुआओं को कबूल करेंगे, तुम इंशाअल्लाह ठीक कर देंगे। खैर वो बेचारी मजबूर थी, बेड पे लेटी रहती थी, उसने दुआ किया, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट होने लगी। या तो ये खुद भी उनका कहना है, वो जो सैदानी औरत थी कि मैं खुद आकर रात को गिरिया करती तो रोती थी कि इज्जत बाँचता, मैंने आपके हवाले से उसके लिए कि क्या कहता हूँ दुआ किया, आप मेरी जो है ज़बान की लाज रख लीजिएगा। कि एक दिन जो हुआ कि जब उसके वालिदैन आए तो बच्ची उठ के बैठ गई, उसके वालिदैन को देख के बड़ी हैरत हुई कि ये क्यों कर हो गया, फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने दुआ किया था। तो याद है कि जितना उनसे तवस्सुल करेंगे ना, खुदा उतने ही हमारी हाजात को पूरा करेगा। और ये वाहिद बारगाह है जहाँ पे क्या कहता हूँ, हम जो है गिरिया के दौरान भी अपनी दुआएं कर सकते हैं। खुद खैमा के मतलब खुद हमारे उलमा कहते हैं कि जिस वक्त तुम्हारी आँखों से आंसू जा रही है, तुम गिरिया कर रहे हो, तो कोई फरियाद हो तो अपनी दुआएं किया करो, तुम खुदा तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। और जब आँखों से आंसू गिरा करे तो अपने आंसुओं को चेहरों में मल लिया करो, इससे तुम्हारे चेहरे में पर्दा रोग पैदा करेगा। और यही एक वाक़ है, क्योंकि देखा होगा अक्सर क्या कहता हूँ ईरान वगैरह में, आजकल पूरी दुनिया में हो गया कि जब इमाम रज़म की विलादत का मौका आता है तो वो हरम से मस करके जो मौला के जरिए से परचम मस करके लेके जाते हैं और तमाम जो है क्या कहता हूँ जो लोगों का ज़ियारत कराते हैं। ईरान में जो है वो क्या कहता हूँ, वो गए थे एक शहर में, वहाँ क्या कहता हूँ ये हुआ कि पहले जो जेल जाएंगे फिर वहाँ जाएंगे, हर जगह जाकर देखिए मुझे पता है कि बस 5-10 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ इंशाल्लाह। आप जेल दुआ एक्सरसाइज के बाद पढ़ें इंशाल्लाह। आज की शब आशूर से कम नहीं है, कल 3 है। अब अगर इस शब्द में हम जो है वो अहले बैत के जिक्र को देखिए, इसी मम्बाड़े में जब और दिन मजालिस होती है, ताबूत का प्रोग्राम होता है, तो 11 बजे प्रोग्राम शुरू होता है, 1 बजे चलता रहता है, हर ससा हम सवाल जानते हैं। बाहर की शिद्दत की ठंड पड़ रही है, मगर देखिए अहले बैत का मजमा देखिए, अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने वाले देखिए कि इनके ज़रा भी इस बात का एहसास नहीं कि बाहर ठंड पड़ रही है, क्योंकि इनके दिलों में अहले बैत की मौद्दत जो है वो इस तरह भरी पड़ी है कि इनके लिए ठंड और गर्मी का कोई असर नहीं होता है। और ये मजलिस है जहाँ इमाम हसन और इमाम ज़माना आए होंगे, सरवाद ने क्या कहते हैं। और ख़ास करके आप तो मस्तूरात देखिए, बीबियाँ ये जो ख़वातीन जो आई मजलिसों में, ये हमसे अच्छा खुदा के भी निज़ाम देखिए कि परवरदिगार आलम इनको मर्दों के बनस्बत ज़्यादा उम्र देता है। यानी आप यहाँ देखिए शोहर का 65 तो बीवी कम से कम 70 साल जिएगी, क्योंकि खुदा इंसाफ करता है। वो देखता है कि औरत ज़्यादा खिदमत करती हैं, ज़्यादा मेहनत करती है, लिहाजा कि इनको आज दुनिया में भी देता, आखिरत में देगा ही। अब देखिए क्या कहते हो, अभी कहीं और मस्जिद थी वहाँ गए, फिर इसके बाद यहाँ गए, और कितने सुकून से मस्जिद को सुन रही हैं। क्यों? इसलिए कि इनके दिल में अहले बैत, इनको पता है कि हम जो गोद में बच्चों की तरबियत दे रहे हैं, ये अहले बैत के जो है इन्हीं डोरियों के जरिए देगा तो हमारे बच्चे हमारे खिदमत गुजार होंगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो वो क्या कहता हूँ, परचम जो हर जगह लेके जाते थे, कैद खाने में जब वहाँ जो है शिया मुल्क है, कैद खाने में लेके गए और वहाँ पे जाके जो है वो सबको आज़ाद करी। एक कैदी जो था वो परचम पकड़ लिया उसने और रोने लगा, बेपनाह रो रहा है, इतना रो कि उसको देख के जो सारे कैदी रोने लगे। इन लोगों को ये था कि उसके बाद जो जाना था, जहाँ जो शोहदा उनके जो जंग में शहीद तो उनकी माओं को उनकी बहनों को जाकर आज़ाद करानी थी। पर इतना रोया कि इन लोग का दिल थोड़ा सा दुखा और इन्होंने क्या कहता हूँ वहाँ पे जो है वो इन्होंने कराएँ तो इसको थोड़ा जितना गिरिया करें, इसको गिरिया करें तो अभी हम इसका परचम से आराम से अलग नहीं करेंगे। खैर वो जो हम गिरिया और कुछ को तो उनसे पूछा कि आखिर क्या बात है, तुम जेल में क्यों, क्या ख़त्म? किसने कहा? उसने कहा कि मैं यहाँ पर जो है वो पिछले 3 साल से हूँ और जो गुनाह मैंने किया ना उसकी मैं सज़ा पा रहा हूँ। कहा कि क्या हुआ था? कैसे हुआ था कि मैं अपनी गाड़ी से जो है वो रोड पे जा रहा था, अचानक बूढ़ा आ गया, मैंने उसको ब्रेक मारा कि उस बूढ़े को बचा लूँ कि अचानक जो है ब्रेक इतना सख्त लगा कि हमारी गाड़ी जो है फुटपाथ पर चले जवान से टकरा के वो जवान शहीद हो गया, वो जवान मर गया। लिहाजा जो है वो उसके मैं जो हूँ मुजरिम हूँ और ये जो सदा भुगत रहा हूँ। खैर उन्होंने कहा खुदा इंशाअल्लाह तुम्हारी मुश्किल को आसान करेगा, तुम घबराओ नहीं। अब उस दिन उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल किया, दूसरे दिन जो जहाँ शोहदाए घराने जाने थे वहाँ गए तो वहाँ हर घराने में जो भी शहीद उनकी फ़ोटो वगैरह लगी हुई थी। तो एक के बाद दूसरे बार गए, तीसरे घर में गए तो एक घर में गए तो देखा जवान की फ़ोटो लगी हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या कहता हूँ कि आपका बेटा है? कहना हाँ ये हमारा बेटा है, 3 साल पहले जो है वो मौत हो गई। तो कहीं शहीद में एक्सीडेंट में शहीद हुआ। तो उन्होंने कहा एक्सीडेंट में, तो फ़ौरन उनके जहन में वो आते हैं कहीं इसका कातिल कहीं फ़लाँ की गाड़ी से, कहाँ फ़लाँ की गाड़ी से शहीद हुआ, उसी गाड़ी से। तो कहने लगे हाँ कल हम लोग आने वाले थे। कहा कल तुमने कुछ शिद्दत से मिला, कल तुम नहीं आए? कल कैद खाने में चले गए थे, जिसकी गाड़ी से आपके बेटा जो मरा है ना उसने परचम इस शिद्दत से वो रो रहा था, शिद्दत से गिरिया कर रहे थे। इमाम रज़ा को नाम लिया, इमाम रज़ा मैं आपसे फरियाद कर रहा हूँ, मेरी मुश्किलों को आसान किया है इमाम रज़ा, कि हम लोग आना चाहते हैं, आने ये भी क्या किया, क्या आप उसे माफ़ कर दें? पत्थर से औरत बैठ जाती है। और फ़ोन उठाया, अपने वकील को फ़ोन किया कि मैंने उसको कसास उसको जो माफ़ कर दिया है। कहने हम लोग इतनी खुशी हुई कि हम लोग क्या कहते तो तमाम ज़्यारत करा के जेल गए फिर। और उससे हो जबकि टाइम ख़त्म हो चुका था, मगर चूँकि हरम ईमान से थे, मौला इस्लाम के खुदान थे हमारे में, तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त किया कि उस कैदी से मिलवा दें। उन्हें कह कर जी तो बुलाया गया। तो हमने कहा ये बताओ तुम क्या क्या कह के जो है तुमने जो है फरियाद की थी, क्या जुमला कहा था कि तुम्हारी दुआ 24 घंटे के अंदर कबूल हो गई। तो कहा मैं जो हूँ इमाम अलैहिस्सलाम पे उनके बाबा उनके दादी का वास्ता दिया था। ऐ मेरे इमाम क्या आपको नहीं पता कि जब आप छोटे थे क्या कहता हूँ तो आपके बाबा को भी जो है ये दुश्मनों ने जो है कैद खाने में डाल रखा था। ऐ मौलाना मेरा भी 3-4 का छोटा बेटा है मौलाना जो आपकी बाप के जो अपनी ज़िंदगी में ही आपकी बाप की मोहब्बत से महरूम हो गया। ऐ मौलाना कोई ऐसी सबील नहीं हो सकती आप पे आपके वास्ता है आपकी जद्द माजदा का कि आप क्या कहते हो मेरे लिए सबील पैदा कर दें। तो परवरदिगार आलम ने मेरी दुआओं को जो कबूल किया। तो अहले बैत से यानी हम बैठ के हम यहाँ दुआ करते हैं क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है क्योंकि यहाँ बैठ के भी उनसे दुआ कर सकते हैं। अज़ान कराम इस शब्द की बड़ी अहमियत है। आज की शब्द जनाब फातिमा को इस बात की यकीन हो गया था कि कल की सुबह जो है कल की शब्द न देख पाई। या जब जो क्या कहते हैं हमारे मौला अली घर में आए तो आपने उनको अपने पास बैठा लेके आया अली बेचारा तुम मेरे पास बैठ जाओ। उनका फरमान कभी देखो मैं जब से तुम्हारी ज़ौजियत में आई हूँ आज तक कभी भी मैंने जो है कोशिश की कि कोई काम में कोताही ना होने पर अगर तुम्हारी खिदमत में कोई कोताही की होगी तो मुझे माफ़ कर देना। ऐ अली देखिए मेरे बच्चे छोटे हैं अगर कोई ऐसी गलती हो जाए तो उन्हें जो है आप जो है नज़रअंदाज कर देगा। ऐ अली आप मुझे गुस्से देना आप मुझे कफ़त देना। देखो अली जब मर जाऊँगा तो मुझे रात में गुस्से देना रात में कफ़त देना। हाँ ये रात का मसला उस वक्त सामने आया जब मौला अली गुस्से देते देते चीख मार के रोए। और जब जनाब अब्बास ने पूछा गुस्से कफन के बाद कह रही तुम इस तरह क्यों रोए थे तो कहा जनाब फातिमा की जो है पसलियाँ टूट गई थी मगर आज तक जो है जनाब फातिमा ने मुझसे कभी इस बात का जिक्र ना किया कि हाय कि मेरी पसली टूट गई। इसलिए वो खुद देख रही थी कि मौला अली किस तरह जो है वो परेशान है और किस तरह क्या कहते हैं मौला को उस पर जुल्म किया जा रहा है। हद तो यह है और यही जुल्म क्या कहते जनाब बीवी की 5 कई मुसीबतें थी। तो जनाब पर क्या कहते हो आपसे जो फिलक्च न जाना आपकी बात जो है बाबा के बाद जो है मदीने का इस तरह से जो है रुख पर फेर लेना निगाहें फेर लेना। और फिर क्या करें सारे जो कल आके जनाब फातिमा के दर पर सलाम किया रसूल खुदा के दर पर वो आज तमाम दुश्मन की फेहरिस्त में नज़र आ रहे थे। और हद तो ये कि आपसे जो है वो क्या कहता हूँ दरबार में आपको खड़े होकर जो है बहुत देर तक खड़े ये तमाम वो मुसीबतें थी जो जनाब फातिमा को जो है बहुत असियत पहुँचा रही थी। हाजी तो ये आज की शब्द रोने की शब्द अगर आँखों से आंसू ना निकले तो आवाज़ से आवाज़ मिलाओ। इसलिए तुम्हारी आवाज़ इमाम ज़माना सुन रहे होंगे और कह रहे होंगे अपने के मेरी जद्दा देखिए कल आपका जनाजा जो है रात की तारीकी में उठा था जिसमें चंद ही लोग थे मगर ए जद्दा देखिए इस वक्त तमाम मोमिन जो हैं ये बगैर इस बात का ख्याल रखे हो कि टेम्परेचर क्या है आपके गम में जो है इस वक्त जो है सोगवार है। वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद बिहक फातिमा तो अभी हो वाले परदगारा इस मजलिस में तशरीफ़ फरमा और इस दीगर जो बसाइज सुन रहे हैं उनकी तमाम हाजात को पूरा करवा पाले मोहम्मद वाले में सकते हैं पाले में जो बेघर उन्हें घर अता कर दे जो बेज़र उन्हें ज़र अता कर दे जो लड़कियाँ कुंवारी उन्हें वर अता कर दे जिनकी गोदी खाली हैं उन्हें पैसर अता कर दे। खुदा जो हक़ को क्या कह हज ज़ियारत के मुश्ताक उन्हें हज ज़ियारत करा दे। परवरदिगार हमारे दुश्मनों को उन पर दुश्मनों को हावी कर दे। खुदा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सकते हैं पाले वन जहाँ जहाँ अय्याम फातिमा हो रही परवरदिगार मोहम्मद के सकते में उन सब की तमाम दिली हाजात को पूरी कर माबूद इस जिक्र को और बढ़ा दे। परवरदिगार जनाब फातिमा की मजलूमियत को और दुनिया में आया कर दे। हमारे इमाम ज़माने के हुज्जत में ताजील फरमा हमें रब्बना तक़ब्बल इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैका वाला जद्दका वाबीक, अस्सलामु अलैका वाला उम्मिका वाखीक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनल दुअफा वल फुकरा, अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस, अस्सलामु अलैका या अनीसन नफूस, अस्सलामु अलैका या मुगीस शियत वज़्ज़वार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल अरब वल अजम, अस्सलामु अलैका या अबल हसन अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, अस्सलामु अलैका या साहिब अल असर व ज़मान अलमान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानना हाज़ा जल्लल्लाहु फ़रजक वसहल्लाहु मखरजक व ज़हूरक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मोमिनीन किराम, कल ताबूत बरामद किया जाएगा, लिहाजा मोमिनीन से गुजारिश है कि वक्त मुकर्रर पर तशरीफ़ लाएँ। सवाब दारान जी हाँ, शर्त में से